सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। ज्यों बुलावें त्यों बोलें स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साधु संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, साधु संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सुधरे हुए, सुचजे अते गुरमत विच भिजे हुए बोल आप सरवण कर रहे से। सिर्फ एक ही गल कह के मैं अपने विषय वल तुरना है। जदों किसे वगदे दरिया उन्हों वेखिए, सदियां लंघ जाना, वो किसे मैले नूं तां निर्मल कर सकदा है, पर आप मैला नहीं हुंदा। पर जदों उहदे विच्चों कोई उछाला आ जाए, कोई थोड़ा जिहा वक्खरा होके बैठ जाए, वह वक्खरा फिर छप्पड़ बन जाता है, टोभा बन जाता है। तो दुनिया में अज तक टोभा कोई होया ही नहीं, छप्पड़ कोई होया ही नहीं जिहड़ा पवित्र रह सके। उहदे विच गंदगी दे गिरम अनेक औगण पैदा हो जाते हैं। एक गल गुरु बाबे पातशाह ने बाणी विच भी आखी है, धर्म एक वगदा दरिया है, मजहब एक विछड़िया होया छप्पड़ है। दोनों विच इतना ही अंतर है। देखण नूं पानी दोनों विच खड़ा लगेगा, पर वह पानी जिंदगी नूं बीमारी ते ला सकदा है, अरोगता नहीं। वगदे दरिया विचों लोग मैल भी धो लेंदे ने, जिंदगी दी वरतों भी कर लेंदे ने, पर रोगी नहीं हुंदे। अपनी गल वल चलना। दूसरी बेनती करा, जेडे परिवार ने अज गुरु दे चरण परसे ने, दस कई बारी बेनती करदा है, हालांकि जन्म लोगों के रात नूं भी होए होणगे, पर कहा सिर्फ एक शब्द जांदा है, जन्म दिन। मेरे कोल इन्ना वक्त नहीं, सिर्फ इतनी अर्ज करा। फिर अज तक कदे किसी ने जन्म रात क्यों नहीं मनाई? जदों सतगुरु नूं पुछी, ओ साडी जिंदगी नूं रात कहिंदे ने, ओ दिन नहीं कहिंदे। इहां वसना रात मूढ़े, छाट पराई तात मूढ़े। जामृत बाणी का वचन है, रहण विहानी पछतानी उठ चली गई निराश। पहले पहरे रहण कह बन जा रहा मित्रा। सतगुरु असी दिन कहने हैं तो तुसी रात कहिंदे हो। हजूर कहने, सजना ए रात दी रात ही रह जानी जे तेरी जिंदगी अंदर गुरु दा सूरज ना चढ़िया, क्योंकि रात नो दिन विच तब्दील करन वाला सूरज है। बाकी कायनात उवें दी उवें हुंदी है, फर्क सिर्फ इन्ना है, जदों सूरज दूर हो जाए लोग रात कहन लग पैंदे ने, सूरज चढ़ जाए लोग दिन कहन लग पैंदे ने। तेरी जिंदगी दे अंदर जिहड़े बच्चे नूं अज आपां लैके आए गुरु चरणा विच, मालक कृपा करे ओदी जिंदगी दे अंदर सारा कुछ उमें दा होवे। जे गुरु दा सूरज ना चढ़िया, जिंदगी ने रात गुजर जाना है। जे गुरु दा सूरज चढ़ गया, फिर रात ने भी दिन बन जाना है। अज गुरु चरणा विच तां लेके आए हैं, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण हुंदे आ गुरबिन घोर अंधार। तेरे कोल तां लेके आए हैं। अपने विषय की गल करा, समा बहुत सीमा च। दस ने अर्ज की सी, चार पदार्थ बड़ी चर्चा है, पर गुरु की बाणी पढ़दियां दो गल्लां सुभाविक सामने आउंदियां ने।
एक पासे साहब कहिंदे तू दात लेके आया, दूजे पासे मालक कहिंदे ने तू गुरु कोल मंग, जे कोल है तां मंगणी क्यों है, जे मंगणी ते दा मतलब कोल नहीं। फिर हजूर ने समझाया सिवित सी तां तेरे कोल, जिवें इक राजा तख्त ते बैठ के सौ गया, उहनूं पता नहीं मैं राजा है, बस इसे तरह अग्ञानता दी नींदर दे कारण चारे पदार्थ तेरे कोल ने पर तैनूं गुरमत दा पता नहीं है, नहीं तो मंगता ना होवे तू ते राजा होवे। अज उन्हां चार पदार्थां दी अगे गल शुरू करा। पहला पदार्थ धर्म, एक बार फिर दोहरा दें, धर्म अर्थ काम मोख चार पदार्थ ने। पहला ता जिहड़ा पदार्थ है वह है धर्म। सतगुरु की बाणी नूं पढ़िए ता मालक आखते ने कहन लगे भलिया जिंदगी दी एक भी चीज देख जड़ी बेतरतीबी होवे। सब कुछ मालक ने किसे तरतीब विच पैदा कीता है। एक पंडित नूं सवाल करदे आ, साहब ने एक बड़ा प्यारा बचन आखे है, ओए जो दिसे अंबर तारे किनू ए चीते चीतन हारे, कहो रे पंडित अंबर कांस्यों लागा, बूझे बूझन हार सुभागा। चन्न नूं वेख लईए, तारिआं नूं वेख लईए, सूरज नूं वेख लईए, धरती नूं वेख लईए, जीवां नूं वेख लईए, जो कुछ रब ने मर्यादा विच बना दिता वह उमें दा उमें चल रहा है, कोई अंतर नहीं। जो कुछ रब्बी नियम दे विच चल रहा है इसे दा नाम धर्म है। एक बारी फिर बेनती करा, धर्म दा मतलब है कर्तव, धर्म दा मतलब है नियम, धर्म दा मतलब है असूल। साड़ी जिंदगी दे कोई असूल ने, साड़ी जिंदगी दा कोई नियम है, साड़ी जिंदगी दी कोई मर्यादा है, उहदा नाम धर्म है। जिंदगी दे कुछ फर्ज ने, जिंदगी दे कुछ कर्तव ने, उन्हां दी पहचान दा नौ ही धर्म है। साहब कहिंदे ने कहन लगे चार पदार्थ जे तू लेना चाहुंदा है ते सब तो पहला पदार्थ है धर्म। गुरु कोल आ, गुरु कोल मंग धर्म दी बात, क्योंकि एक दुनिया विच केवल मनुख है जिन्हों जीवना नहीं आउंदा, क्षमा करो जी, जिन्हों जीवना नहीं आता, यदि जिंदगी भर वेख के हजूर ने गुरबाक बख्शिश किए ने। कह लगे जदों मैं तेन देखना है तो तू मैन मनुख प्रतीत होना है, फिर मेरा जी करे भी तू मनुखा वांग जीवना भी होएगा, पर मैं हैरानगी हुई मैनू तेरे तो कई पक्षा विच पशु पंछी चंगे लगे। गुरबाक पढ़ते हो ना, करतूत पशु की, करतूत मनुख वाली नहीं है, जामा मनुख वाला है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, तू खुश करना है असी रब नू, तू लोगों खुश कर दिया जिंदगी गुजार ली। जिंदगी पर इन्हे बंदियां नू खुश किया, जिंदगी पर इन्हे कदे रब नू खुश करन दी तमन्ना नहीं रखी। मालक की कृपा करदे ने कहन लगे भलिया पुरखा जदों मैं तेरे वल वेखना है ते मैनू कहना पैंदा पशु मिले चंगे आईयां, तेरे नालों चंगीयां गल्लां पशुआं च मिलदियां ने। खड़ खावे अमृत दे नाम भी होने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कदे किसी आम मनुख की गल नहीं की थी। हजूर आखते ने कह लगे जे रब नू मिलना चाहना है ना तो सिक्ख्या कुत्ते कोलों ले लै। सतगुरु कुत्ते कोलों मैनू किसी दरवेश कोल भेजो, मैनू किसी फकीर कोल भेजो, मैनू किसी महात्मा कोल भेजो, मैनू किसी सत संगत विच भेजो ते तुसी रब की गल सीखने वास्ते मैनू कुत्ते को भेज दियो। हजूर कहने सजना देखी करे ध्यान नाल, स्वामी को ग्रह जो सदा स्वान तजतनी नित, नानक ए बिद हर भजो इक मन होए इक चित। धर्म दी बात फिर मैं तुहाडे नाल सांझी करा। हजूर आखते ने कहिंदे तेरे कोल जिंदगी है पर जिंदगी जीवन दा ढंग नहीं है। जिंदगी है, जिंदगी जीवन दा ढंग नहीं है, बस ढंग ही किसे नूं प्रहलाद बनाउंदा है
ढंग ही किसी नूं हरनाक्ष बनाउंदा है, ढंग ही किसी नूं पापी बनाउंदा है, ढंग ही किसी नूं पुन्नी बनाउंदा है, ढंग ही किसी नूं पृथ्वी चंद बनाउंदा है, ढंग ही किसी नूं गुरु अर्जन पातशाह बनाउंदा है, ढंग ही किसी नूं धीर मल बना देंदा है, ढंग ही किसी नूं बाबा राम राय बना देंदा है, ढंग ही किसी नूं गुरु हरकृष्ण साहब बना देंदा है। गल ते जिंदगी जीउण दे ढंग दी है, बस ढंग नहीं आया। जदों गुरु को आवांगे, गुरु सानू जिंदगी जीउण दा ढंग सिखाउंदा है, उहदा ही नाम धर्म है। गल ते इन्नी सी ना, जिंदगी किवें जीउणी है इस गल नूं सिखण लई गुरु कोल आउणा है। ते जदों गुरु कोल आवांगे, गुरु धर्म दी बात देंदा है, ते गुरु धर्म दी गल रात ने इह दस के इह सिखाउंदा तैनूं जीउणा किवें चाहीदा है। बस तैनूं जीउणा नहीं आया। और इतनी भी बेनती करां, जदों तुसीं जपजी साहिब दा पाठ करदे हो, नहीं करते तो मैं बेनती करा भी नितने में जरूर कराया करिए, जरूर कराया करिए। खैर एक वखरा विशा, जदों पांच खंडां दी गल शुरू होंदी है, उहदे विचों पहला खंड है धर्म। साहब कहिंदे पहला पहला जीउणा तां सिख। छोटी जी उदाहरण दे दिया, तुसीं कदे बच्चे नूं स्कूल पाउंदे हो, तो हैरानी दी गल है, हाले उहदी पढ़ाई बड़ा चिर मगरों शुरू हुंदी है, दिन दा बहुता हिस्सा उहदा धर्म कमाउण ते लगदा है। पढ़ाई बड़ा चिर मगरों शुरू हुंदी है, हुण उह विद्यार्थी पहला उठेगा, पहला स्कूल दी वर्दी पाएगा, धर्म है। फिर स्कूल वक्त नाल जाएगा, धर्म है। फिर स्कूल दी प्रेयर विच शामिल होएगा, धर्म है। फिर स्कूल दे विच वक्त नाल क्लास विच जाएगा, पढ़ाई ते हुण शुरू होण लगी है। कोई विद्यार्थी कहे भी मैं इत्थे सिद्धा पढ़ नहीं जाना है, जदों क्लास लगे ते मैं उदों ही जाना है, स्कूल वाले रखण लई तैयार नहीं होणगे भी सजना इवें तैनूं किवें रख लईए, तू तां पहला धर्म नहीं निभा रहा, तू अगला की निभाउणा है, तू पहले धर्म नहीं निभा रहा। यकीन करके जाने हो, जदों गल शुरू हुंदी है तो साहब कहिंदे ने पहला तां गुरु कोल आना, जो गुरु सिखाउंदा है पहले तां गल उत्थों शुरू करना। बाकी नाम की गल तो बड़ी दूर दी है, पर बंदा पहले ही सोचता है। अज जिहड़े आपां वेखने हैं दुनिया के अंदर, भटकना किस गल दी है। बंदा एक गल कहन लग्या, कहना मैं सुनिया भी नाम तो बिना अगे गुजारा नहीं है, ते कहना पहले मैनू नाम ही दे। हुण अज मंडियां नाम दी खुलियां होईयां ने, होर किस गल दा भुलेखा है। पर गुरु एक गल कहना, कहना ना भलिया, मैं तैनू एक गल सिखाउणा चाहुंदा, जे तू नाम तक पहुंचना है ना, तो उस तो पहला दी भी कोई मर्यादा है। कदे किसी विद्यार्थी नूं वेख, कदे किसी स्टूडेंट नूं वेख, कदे किसी फौजी नूं वेख, वह पहला हथियार देने तो पहला किन्ना चिर उहनूं ट्रेनिंग दिंदे ने, तैनूं हथियार पकड़ाउण क्यों लगे है। जिस दिन तैनूं इह नाम दी दात देनी है ना, तेरा जीवन देवतियां वर्गा बनाउणा है, पर उस तो पहला दी कोई ट्रेनिंग है जिहदा नाम धर्म है, ते ओ मालक कोल बैठ के सीखनी, ओ जीवन जाच सीखनी। जिन्हों जीवन जाच आ गई, यकीन करके जाने हो, ओ रब दे नेड़े हो जाएगा, यकीन करके जाने हो, परमेश्वर दा रूप हो जाएगा, ओदे अंदर नाम गुरु ने आपे ही रख देना है, बस जीवन जाच आ जाए। सानू जाच ही नहीं आई। दो गल्लां मैं होर सांझियां कर रहियां ने, क्योंकि वक्त की बड़ी सीमा है। ख्याल करो जी, कर्ज होर करां। हुण आपां पहले दिन ही गल विचारी सी, चार पदार्थ ले जग आया, ये चार पदार्थ ते रब ने घरों ही लेके आया। पर सवाल खड़ा होया भी इन्हों इत्थे धर्म की लोड़ पेगी, ये तो नाल लेके आया, हुण नाल की लेके आया। जे धर्म नाल लेके आया, चार पदार्थों में एक पदार्थ है नाम, धर्म एक पदार्थ है, तो लेके की आया नाल। दो गल्लां दा ख्याल करे, जो कुछ मैनू लभिया है वह मैं थोड़ी नजर विच अर्पण करना चाहना। पहली गल हजूर ने आखी, कहन लगे नाल तू लेके की लेके आया। पहली गल ते सजना ऐसी भी, नाल तेरे लिखिया होया हुक्म। गुरवाक पढ़ दियो, किब सत्यारा होई है, किब कूड़ा टुटे पाद। मैं सत्यारा किवें होवां, मेरी ते रब दे दरमियान पई कूड़ दी पाल किवें टुटे, ते मैं रब दा रूप किवें होवां। किब सत्यारा हुई है, किब कूड़े टुटे पार। जवाब मिलिया, हुक्म रजाई चलना, आ रस्ता है, एदा नूं धर्म है। दो मर्जियां नहीं आप ले सकते। एक बेनती होर कर दें, अगे अगे गल चेते आ जांदी ने, मैनूं खिमा करियो। आप
जिथे सतगुरु ने यह बचन आख्या ना, देखो आम मनुख लिए नहीं है, पर जिते गुरसिख लिए आख्या उत्ते शब्द कट्ठे कर दिते हजूर ने। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, कहिंदे जे गुरु नाल मिलके चलना ना मंजिल ते पहुंचना चाहना है, फिर गुरसिख मित्र प्यारिया तेनू गुरु की चाल चलना पवेगा, तू अपनी चाल गुरु नू ना चला। अज साडी लड़ाई किस गल दी है, असी गुरु नू सुझा दे रहे भी तू मेरी चाल नाल चल, तू देख मेरे नाल तुर के, बस इस गल का झगड़ा। जिस दिन मनुख गुरु की चाल चलन लग पिया, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा नरानी, कहन लगे मंजिल ते पहुंच जाएगा, फिर तेरे नेत्र ना भी होन, फिर तेरी जिम्मेवारी कोई नहीं, फिर गुरु की जिम्मेवारी है। क्योंकि पहले पंक्तियां अरदास है ना, हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे अपन पाली। गुरु ने उस वेले पले ला लिया, कहन लगे एक कम करी दास, कई बार ये बेनती कर दिया, तुसी कदे नेत्रहीन बंदे नू देखना, वह जिहदा हथ पकड़ के तुरदा ना, कदे अपनी मर्जी नहीं करता, जिहदा हथ पकड़ के तुरदा, वह कह दे वे भी उची थां है, वह उस तरह पैर रखदा, वह कह दे वे पौड़ी है, वह उवें पैर रखदा, वह कह दे वे पानी है, वह उवें पैर वधा के रखदा। हुण कोई कह दे वे हथ भी पकड़िया होया ते नेत्रहीन नू कवे भी अगे पानी है, ते वह कवे भी नहीं हो सकदा, वह कवे भी पौड़ी है, वह कहिंदा नहीं हो सकदी, मैं अपनी मर्जी नाल चढ़ना, एक पल लगना, वह अपनी जिंदगी का खिलारा खिलार के बैठ जाएगा। एक पासे सानू गुरु दस रहा भी तेरी जिंदगी इत्थे काम है, तेरी जिंदगी इत्थे क्रोध है, तेरी जिंदगी इत्थे लोभ है, तेरी जिंदगी इत्थे हंकार है, इन्हां छप्पड़ां नू तू किवें टप्पणा है, मेरे नाल नाल होके चल पुत्रा, तेनू जिंदगी मिल गई पर जिंदगी जीवन का ढंग नहीं मिलिया, तू मेरे नाल हो के चल। असी गुरु नू कहने भी तू दस दिता भी इत्थे क्रोध है ना, मैं सुन लिया, पर चलना मैं अपनी मर्जी नाल है, एक कारण बनिया होया साडी जिंदगी दा दुखांत है। मालिक आखते ने कहन लगे भलिया पुरखा, पहला काम सी जो कुछ तेरे नाल लिख के आया, वह फिर भी गुरु कोलों सीखना सी, गुरु की रजा विच किवें तुरना, वह नाल की लिख के आया, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, वह तेरे नाल ही लिख के आया, भी जे तू हुक्म ते रजा विच तुरेगा ना, तो यकीन जानी तेरी जिंदगी दे पेंडे अंदर कदे ठोकर नहीं बजेगी। जेडे इस गल नूं समझ लैंदे ने, हुक्म रजाई जो चले सो पवे खजाने, जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया, गुरमिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। एक परिवार दे भी कुछ नियम ने, संसार दे भी कुछ नियम ने, एक देश दे भी कुछ नियम ने, किसे जगह चले जाओ हरेक जगह के कुछ नियम ने, बल्कि बहुती बारी तो सानू लिखे हुए मिलते ने भी नियम की ने। साहब कहिंदे तैनू संसार के नियमों का भी पता लग गया, तैनू परिवार के नियमों का भी पता लग गया, पर हैरानी की गल तैनू निरंकार के नियमों का नहीं पता लग गया। आपां देखने गड्डी चलाउंदे आ, जिते स्टॉप साइन है तुसीं उहनूं फॉलो करदे हो भी किते मैं गलती ना करा, क्योंकि नियम है, नहीं तो मैं सजा का हकदार बन जाऊंगा। फिर बंदिया तू अपनी जिंदगी च यह कदे क्यों ना सोचिया भी रब दे घर नूं जाण वाले रस्ते दे विच भी मैं उसे तरह दी गुरु कोल हदायतां लेके तुरना है। जिस दिन जीवन जीवन की जाच आ गई, जिस दिन जिंदगी जीवन की जाच आ गई, छोटा जिहा दृष्टांत होर दे दिया, दुनिया जिहड़े प्यार दिंदी हुंदी है ना, और अक्सर आप देखते आनंदपुर साहब की धरती उत्ते जब तुम गुरु नूं देखोगे ना, गुरु ने दो बंदियां नूं मौत दिती है, सिर्फ समझने लिए मैं बेनती कर रहा। आनंदपुर साहब की धरती ते देखोगे दो बंदियां नूं गुरु ने मौत दिती है, एक नूं मौत दिती जिन्हों अज तक असी प्रवान करदे भी गुरु तू चंगा किया वह इसे दे लायक सन, दूजे नूं गुरु ने मौत दिती पर उहनूं गुरु ने अपने प्यारे बना लिया। गुरु ने मसंदा नूं भी मौत दिती, याद रखो जे आनंदपुर साहब की उही धरती जिथे मसंद पापी उन्हें सतगुरु जी ने मौत दे घाट उतारे ने, उही आनंदपुर साहब की धरती है, उत्थे पापिया नूं भी उस दर ते दुरकारिया गया। आनंदपुर साहब की धरती जिथे उन्हां नूं मौत मिली, ते आनंदपुर साहब की धरती है जिथे गुरु कृपान करके एक बचन आखदा भी आओ जिन्हां नूं अज प्रेम खेलण नाल चाओ है, वह अज मेरी कृपान की प्यास बुझाओ,
ਉਹ ਵੀ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਮਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਮਸੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਇਆ ਰਾਮ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੋ ਜੇ ਕਦੇ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਲਾਇਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਲਾਇਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਮਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਸਨਾ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਛਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਲਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਭੋਗ ਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ ਧਰਮ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜਬ ਲਗ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਹੀ ਲਓ ਦੁਖੀਆ ਗੁਰਮਿਲ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੀਆ ਬਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਨੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੋਜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝਾਟ ਮਾਰ ਲਈਏ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸੌਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਸਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੋਜ ਲੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੋਜ ਲਵੇਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਵੇਗਾ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਤ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਾਸਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੋਕਰਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ
असी गुरबाणी नूं मान ही लिया भी मौत तो मगरों है, नहीं गुरबाणी तां जीउंदी आ, जी दी गल है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पैनी जाके कंचन माटी माने, नहन दिया ने उस्तद जाके लोभ मोह अपमाना, हरक सोग ते रहे नियारो नाहे मान अपमाना, आशा मनसा सगल त्याग जगते रहे निराशा, काम क्रोध जय परचय नाहिं ते कट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जे नरको किनी तह ए जुगत पछानी। ए चो एक भी चीज नहीं है जड़ी मरण तो बाद कमाई जाए, सारी जीउंदियां जी कमाउण वाली है। नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी, जीवन जीवन की जांच आ गई जिस दिन, उस दिन मालक दे घर कबूल हो जाएंगे, परमेश्वर दे घर कबूल हो जाएंगे। हजे जीवन जीवन की जात ही नहीं है सानू, फर्क सिर्फ इन्ना है। दूसरा पक्ष तुहाडे नाल सांझा करा क्योंकि लेके ही आया तुर दरगाह तो। दूजा पक्ष गुरु की बाणी विच जिक्र किया मालक ने, एक मैंने छोटी जी ख्याल फिर आ गया, मैं अगे फिर बात चीज शुरू करना है इस गल। गुरु अर्जन पातशाह जी का पुरब लंके गया तो मन में प्रभाव है, तो उम्मीद का माहौल है, उन्हें एक उदाहरण देन लगा है। यह भी तक जीवन जाच है। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज के जीवन विच्चों तुसी उना दी जिंदगी का कोई पन्ना फोल के वेख लियो, तुहानू कदे गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज तड़फते नजर नहीं आउणगे। जिंदगी का कोई पन्ना फोल के वेख लियो, सदीव अडोल नजर आउणगे। सुलगी खां चढ़ आवे तां भी अडोल, सुलभी खां चढ़ आवे तां भी अडोल, जे घर दे लंगर मस्त हो गए तद भी अडोल, जे बाबा पिरथी तन विरोधता करे तद भी अडोल। जिहदा इको एक पुत होवे उहनू जहर देवे पिरथी चंद ते गुरु एक बारी उहदे बूगे जाके उलामा बिना दवे, गुरु तद भी अडोल, बिल्कुल कोई इतराज नहीं। ते हैरानी की गल है, एदों बाद की हो सकता है, जे गुरु नू गिरफ्तार करके लै गए गुरु तद भी अडोल, गुरु नू उबड़ती देग विच उबालिया गुरु तद भी अडोल, गुरु नू तत्ती तवी ते बिठाया गुरु तद भी अडोल, गुरु दे शीश ते गर्म रेत पा दित्ती गुरु तड़फदा नजर नहीं आवेगा, बल्कि गुरु नू वेख के साईं मियां मीर ते तड़फिया पर गुरु अडोल बैठा नजर आवेगा। एक पन्ना है गुरु दे इतिहास विच्चों, गुरु अर्जन पातशाह दे इतिहास विच्चों, जिस दिनों तुहानू तड़फदे नजर आउणगे। एक पन्ने तो बिना दूजा पन्ना नहीं है, केवल इको ही पन्ना है। वह पन्ना उस दिन दा है जिस दिन का उन्होंने गुरु तो दूरी हो गई सी, उस दिन कुरला के कहिंदे ने ना, हालांकि शब्द गुरु बनने तो बाद विच उन्होंने उच्चारण किया है, पर उस दिन कुरला के कहिंदे ने ना, मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई विलप करे, कह लगे तड़प रहे है तड़प रहे है। ऐ बंदे अपने मन विच सोच, जे ओनू चंद रोज गुरु तो दूरी होगी, किते शब्द नू बहुत ध्यान ना पढ़ियो, उत्ते संत शब्द वरते है, सज्जन मीत मुरारे शब्द वरते है, किते भी पिता शब्द नहीं वरते आ। कहन लगे प्यो पुत्र दे रिश्ते च भी किते तिड़का सकरी, क्योंकि बाबे पृथ्वी चंद दा ते गुरु रामदास जी दा प्यो पुत्र दा ही रिश्ता है। कहन लगे उत्ते अपने आप नू दास वरते है, गुरु नू सज्जन मीत मुरारे वरते है, ते गुरु नू पिता नहीं वरते है। कहन लगे प्यो पुत्र दे रिश्ते च किते त्रेड़ आ सकदी, दास ते सेवक दे रिश्ते त्रेड़ नहीं आ सकदी, मैं तेरे तो बिना नहीं जी सकदा, मैं तेरे तो बिना नहीं रह सकदा। यह कितनी प्यारी जीवन जाच है। जिस दिन मनुख ने यह जीवन जाच सीख ली, मैं बाकी सब तो बिना रह सकना है, पर मालिका मैं तेरे तो बिना नहीं रह सकता। आखां जीवां विसरे मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ। जिस दिन इनू पता लग गया, जाके जीव प्राण है क्यों साहेब मनो विसारी है। कबीर जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरे ना बिंद, तिस च्यों क्यों मन रसी है जिसे हमारी चिंद। कहन लगे जिदे जीवन तो बिना, जिदे चरणा विच जुड़न तो बिना, एक पल भी मेरा नहीं सरदा, जिदे तो बिना साची लिवे बिन देन माणी हो जाती है, जिदे तो बिना देख परीदा देतिया शक्कर होई विस, जी तो बिना मिठे पदार्थ भी जहर बन जाते ने, जी तो बिना जिंदगी देवत्या वर्गी होके भी पशुआ समान हो जाती है।
तो मालिक मैं तेरे तो विछड़ के नहीं जुड़ सकता, मैं जीवन जाच आ जाए। तो लिखी हुई नाल ही है, कोई बार नहीं है, लिखी हुई नाल ही है। जिस दिन हुक्म विच तुर पे आ उस दिन मालिक दियां बख्शां, उस दिन रहमत सारियां तेरी झोली विच पै जाणगियां। दूजा पक्ष मैं तुहाडे सामने रखना चाहुंदा सां, समय ने अपना मन मुका लिया ते इसे धर्म दी विचार हले आपां कल रोज एक बारी फिर होर करांगे, हले अपना काम नहीं बनिया पूरा। पहला पदार्थ है चार पदार्थां विचों एक पदार्थ है, एक बारी मैं फिर दोहरा दिया, चार पदार्थ जे को मंगे सात जना की सेवा लागे। जिन्हों चार पदार्थ चाहिए ने वह गुरु चरणा विच आ जाए, इत्थे चंगे लोगों की सियाने लोगों की संत लोगों की संगत करे तो उहदी झोली विच दातां पै जाणगियां। ते मालक कृपा करदे ने कहण लगे पर पैणगियां किवें, की पदार्थ।